Hello students, myself Birbal Sahu, assistant professor of Bharti group of college, department of mathematics. आज हम linear differential equation के question देखेंगे. Last class में हमने linear differential equation के बारे में पढ़ा था और उसके question के बारे में हमने देखा था. आज भी हम linear differential equation के ही question के बारे में आज देखेंगे और question complete होने के बाद हम यहाँ पे ordinary differential equation के form में या फिर आप कह सकते हैं कि रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म को हम पढ़ेंगे, मतलब होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करने वाले फंक्शन को हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या रहेगा. जो फंक्शन है वो नॉन होमोजीनियस होगा, उसको हम क्या करते हैं होमोजीनियस में चेंज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या होता है उसका क्वेश्चन, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को. देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कहता है सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो करके, ठीक है. ये आपके पास इसका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. तो क्या कहता है देखिए, गिवन दैट द इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन आपको दिया है, जो क्वेश्चन आपको दिया है, जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे बताया गिवन दैट द इक्वेशन, क्या कहता है यहाँ पे आपको देखिए, इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए इस इक्वेशन को हमको क्या बनाना है, इस इक्वेशन को हमको बनाना है स्टूडेंट लीनियर के फॉर्म में. तो लीनियर का फॉर्म क्या होता है हमारे पास, लीनियर का फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू करके, ठीक है. तो हमको उस फॉर्म में इसको बनाना है, ठीक है. तो देखिए इस इक्वेशन को मुझे लीनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिवाइडिंग फॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग फॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो क्या कहता है देखिए यहाँ से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब हमारे फॉर्म में आ जाएगा. इसलिए कहते हैं कि विच इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द फॉर्म, क्या फॉर्म आया देखिए आपके पास, पी वाई एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू क्यू करके. पी वाई आएगा स्टूडेंट से, पी क्यू नहीं है, है ना. ये हो जाएगा आपके पास पी वाई, ठीक है. डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू. जहाँ पर आप देखेंगे p की वैल्यू क्या बनती है आपके पास, p की वैल्यू बनती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू बनती है आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, क्लियर है. तो आपके पास बनेगा इसका इक्वेशन स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ठीक है. जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. चलिए देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. देखिए ये दिया है आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला, कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ए टू द पावर पी डी एक्स, ए टू द पावर क्या कहता है आपको, पी डी एक्स करके, क्लियर स्टूडेंट्स. तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास, पी डी एक्स दिया है, तो आप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे पी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसका जब आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट्स. क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके. अब जस्ट आप इसको देखेंगे तो आप क्या शो करेगा, देखिए यहाँ से ये शो करेगा, जैसे आप यहाँ से ई का जो बेस है उसको हटाएंगे तो आपके पास क्या बन जाता है इक्वेशन, ये बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके. अब ये क्या कहता है, हैंस इट्स सॉल्यूशन इज़. अब इसका सॉल्यूशन आप क्या बना सकते हैं, जब इसका सॉल्यूशन बनाना होगा स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास ये बना है फार्मूला, ये बना के दिया गया है आपको यहाँ पे फार्मूला. क्या कहता है ये देखिए,
y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c करके, क्लियर। तो आप यहां जब टर्म्स बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए y into 1 plus, है ना, y into क्या हो जाएगा आपके पास 1 plus x square, ठीक है। ये 1 plus x square किसके है स्टूडेंट्स, ये 1 plus x square है आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले हो उसका। आप फिर यहां q की वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इसकी वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी करके, तो ये और ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बचेगी देखिए आपके पास, यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है देखिए आपको फिर से, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वन प्लस y into 1 plus x square equal to 4 upon 3 x cube plus c करके, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिए 3y into 1 plus x square equal to 4 x cube plus 3 c करके, तो इस प्रकार से निकलता है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट इसी में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी आपके पास सेम टर्म्स रहेंगे, है ना। अब फिर से यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन दैट द इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन दिया उसको आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन नंबर वन। और कहता है चेंजिंग फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चेंज द फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको, चेंज द चेंजिंग फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप लिखिए चेंज द फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास वन, क्लियर। देखिए अब इसको जब लीनियर डिफरेंशियल को आप क्या करते हैं किसके किस में चेंज करना होता है आपको, लीनियर फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए, लीनियर फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए करना पड़ेगा स्टूडेंट एक्स अपॉन एक्स, मतलब पूरे इक्वेशन का क्या करेंगे एक्स से भाग डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करके। अब देखिए डिवाइड करने के बाद आपके पास टर्म्स क्या बनेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास टर्म्स बनते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स करके, तो ये कहता है विच इज क्लियरली लीनियर एंड ऑफ द फॉर्म, तो क्या कहेगा देखिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू क्यू, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये लीनियर के फॉर्म में आपके पास जो इक्वेशन बन गया, ठीक है। जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करेंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू अपॉन एक्स एंड क्यू हो जाएगा आपके पास एक्स करके, ठीक है। तब इसका आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या दिखाएगा देखिए आप जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ए टू द पावर पी डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स करके, इटमीन्स आप वैल्यू बस रखिए टू कॉन्स्टेंट वैल्यू और टू को आप बाहर ले लीजिए और वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू, तो एज इट इज़ ये हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स करके। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इज टू को आप ऊपर लेके चले जाइए, एज ए फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है लॉग क्या होता है ना लॉग ए पावर एन लॉग ए पावर एन के फॉर्म से, ठीक है। तो देखिए तो आपके पास फिर क्या करेंगे आप इस बेस को हटाएंगे तो क्या हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स स्क्वायर हैंस इट्स सॉल्यूशन इज, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए क्या कहता है ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा वाई इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी करके, तो फिर क्या हो जाएगा देखिए मल्टीप्लाई करने पर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स और ए एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी करके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्व करने पर ये बनेगा आपके पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर करके,
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपका रहेगा रिड्यूस टू होमोजेनियस फॉर्म। जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम किस में रिड्यूस करेंगे, उसको हम रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए उसके क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बाद में देखेंगे, पहले उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास जो इक्वेशन है उसको हम किस में रिड्यूस करेंगे, होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म करके। तो कैसे आप रिड्यूस करेंगे इसको आप चेक करते जाइए। देखिए यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए आपको दिया है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन का फॉर्म रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करके कैन बी रिड्यूस टू होमोजेनियस फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इक्वेशन को जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे। तो रिड्यूस करने पर पहले क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको देती है रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उसी इक्वेशन के बेस पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस क्या कहता है आपको, फर्स्ट केस कहता है व्हेन ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी करके, व्हेन ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी। तब टर्म्स आपके पास क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पे आप टर्म्स बनेंगे यहाँ से पुट द एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के करके। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। देखिए आपके पास ये टर्म्स बनाए किसके लिए है, ये नॉट इक्वल के लिए ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी करके। ठीक है, तो आप क्या पुट करेंगे, जो स्मॉल एक्स रहेगा उसकी जगह आप क्या पुट कर देते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच को आप पुट करेंगे, और जो स्मॉल वाई रहेगा उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे वाई प्लस के को पुट करेंगे। ठीक है, किस में पुट करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन दिया है फर्स्ट इक्वेशन उसमें आप पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तब क्या कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एच, जहाँ स्मॉल एक्स दिया वहाँ पर एक्स प्लस एच प्लस बी, जहाँ स्मॉल वाई दिया वहाँ पर वाई प्लस के प्लस सी। सेम कंडीशन नीचे अप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर ए प्लस एक्स सॉरी एक्स प्लस एच और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस के, ए के साथ एक्स प्लस एच और बी के साथ वाई प्लस के, और प्लस सी क्या आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो क्या टर्म्स निकल गए स्टूडेंट्स, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो टर्म्स क्या बनेंगे, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी करके। ये कैपिटल एक्स है, ठीक है, ये स्मॉल एक्स नहीं है, ये कैपिटल एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरा ले लीजिए इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ से ले लिया है, क्या कहा है यहाँ से ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो करके। तब क्या कहता है, देखिए देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स होमोजेनियस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजेनियस हो जाना चाहिए। कैसे, अब इसकी वैल्यू मैंने क्या की पूरी ज़ीरो पुट कर दी, इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी ज़ीरो पुट कर दी, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई करके। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बच गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जब इसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप क्या पुट कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर पुट करेंगे जो आप पिछले होमोजेनियस फंक्शन में कर रहे थे विच कैन बी सॉल्व बाई पुटिंग वाई इक्वल टू बी एक्स, जहाँ जहाँ वाई दिया रहेगा आप क्या पुट करेंगे ए एक्स पुट कर देना, और जहाँ पे अपने पास क्या दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स दिया वहाँ पे बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आप पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। वो फर्स्ट केस था स्टूडेंट्स, आप सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस में आपको कहता है व्हेन ए अपॉन ए इक्वल टू, पहले नॉट इक्वल टू था अभी क्या कहता है इक्वल टू, when a upon a equal to b upon b,
नाउ ए अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, वन अपॉन एम रख सकते हैं, जहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सो दैट नाउ सो दैट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए एक बार इस एम को इसके साथ और एक बार इसके साथ लेके चलिए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इक्वल टू हो जाएगा ए एम, बी इक्वल टू हो जाएगा बी एम करके। तब क्या कहता है गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या दिखाएगा आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, जो होमोजीनियस नहीं है उसको हम होमोजीनियस बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है देखिए नाउ पुट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, जेड पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल्स सेपरेबल। इसके बाद हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो सेपरेबल मेथड होता है वेरिएबल्स के लिए उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस रहेंगे उस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसके फार्मूले निकाल सकते हैं, उसके फार्मूले के बेस पर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, इसमें दो प्रॉपर्टी लगी है, एक इक्वल के लिए और एक नॉट इक्वल के लिए। उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन को किसी भी इक्वेशन को आप होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास फिर लेकर आएंगे और फिर देखेंगे इसमें रिड्यूस टू होमोजीनियस फंक्शंस के क्वेश्चन और इसके प्रॉपर्टी को एक बार हम आपको और रिवाइज कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।